सेंट थॉमस स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। नगर निगम शिमला की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली से पूर्व एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर सुरेंद्र चौहान ने दीप जलाकर सभी को ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश दिया। वहीं इस दौरान महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी और दीपावली सभी के लिए अच्छा त्यौहार बनकर आए इसकी मंगल कामना भी की। इस दौरान उनके साथ उप महापौर उमा कौशल भी उपस्थित रही। आज धनतेरस भी है, दीपावली का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और आज धनतेरस की सबसे पहले मैं शिमला वासियों को और दीपावली की सबको और प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली उनके लिए अच्छा त्यौहार बन के आए और जीवन में और ये साल उनका उन्नति और तरक्की पे गुजरे और ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का कार्यक्रम हमने नगर निगम शिमला की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया था। पिछले वर्ष भी हमने दीप जलाकर दीपावली को सेलिब्रेट किया था। दीपावली एक दीपों का त्यौहार है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दीपों के द्वारा दीपावली को मनाएं और ग्रीन दिवाली शिमला में हो और प्रदेश में हो, ताकि इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से भी बचा जा सके और दीपावली मनाने का और भी बहुत अच्छे तरीके हैं जिसको सेलिब्रेट दीपों के द्वारा किया जाता है, ताकि इसका नाम दीपावली है। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश और देश उन्नति और तरक्की करे। मैं आपको एक आपके ध्यान में मैं कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। ये हमारे नगर निगम के जो एनुअलम की महिलाएँ हैं, ये उनके द्वारा ये रंगोली तैयार की गई है और उनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसमें खाने की चीज़ें भी है, स्वीट्स भी है और दिए जो आपने यहाँ देखे को जलाए, ये हमारे जो महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाया गया, क्योंकि एक ये प्रोडक्ट को हमारा प्रमोट करने का भी हमारा एक साधन है, हमारा एक जरिया है। जो महिलाएं जो घर में बैठ के इस कार्य को करती है और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनको लोनिंग मिलती है, 21,000 से 50,000 तक, 1,00,000 तक हम लोन भी देते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से दिए, जिनको घर में बैठ के वो बनाती हैं अपनी कड़ी मेहनत करके, और उन्हीं के द्वारा ये सारा प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था और नगर निगम की ये स्वयं सहायता जो जितने भी केंद्र हैं हमारे शिमला के, और रंगोली, और इसको मैं चाहता हूँ कि शिमला में सभी लोग रंगोली के त्यौहार को रंगोली के रूप में मनाएं और दीपावली एक दीपों का त्यौहार है और दीप जलाकर सभी इसको सेलिब्रेट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।